हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाओ योजना, क्या आप लोग तैयार हैं? सब हाथ उठा के बोलिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाओ योजना। बोलो प्लेयर मंगा लो, जब खिलाड़ी कमजोर रहे बोलो प्लेयर याद जाने। तो चैलेंज करते हैं कि तुम एक भी घुसपैठिया दिखाओ, एक भी बांग्लादेशी तुम लेके आओ, मैं 1,00,000 रुपया एक एक बांग्लादेशी पर तुमको दूंगा। तुम यहाँ लड़ाने आए हो, तुम आओ इलेक्शन के बाद, इसके बाद तुमको बतलाएंगे। बिजली बिल माफ कर दिया, आज सब गदगद गदगद ही नहीं है, माफ भेलो ने देहा आलू भेलो ने। बीजेपी पहले वाला बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, अभी मोदी वाला बीजेपी है। ये अमित शाह अपने तरी पार है, उसका बीजेपी है, वो अपने तरी पार है। सामने आए हुए इस नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आए हुए मेरे मतदाता मालिकों, भाइयों और बहनों सभी को मेरे ओर से जोहार। आज आप लोगों के बीच फिर चुनाव, जो 5 साल में एक बार आपको मुख्यमंत्री बनाना है, आपको साथ सरकार बनाना है, उस मुकाम पर हम लोग पहुंचे। पिछली बार आप ही लोग का सहयोग से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, यहां तक कि जेल भी उनको जाना पड़ा। इसके बाद भी गुरु जी का पुत्र होने के नाते उन्होंने सर नहीं झुकाया और झारखंडियों का भी सर झुकने नहीं दिया। और अभी एक नारा है कि जेल का बदला जीत से, जेल का जो अपमान, 5 महीना जो जेल में बेकसूर षड्यंत्र के तहत रखा, उसका बदला आपको हर विधानसभा में जीत से देना और फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना। आज हमारी सरकार ने गरीबों के लिए मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी योजना, बिजली माफी योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री आपको दिया जा रहा है। बताइए कि आपको जो बिजली माफी, बिजली माफ किया करीब 3500 करोड़ रुपया, ये बोझ था कि नहीं था? आपके लिए बहुत बड़ा बोझ था जिसको हम लोग हल्का किए। और इसके साथ ही ये भी किए कि आपका 200 यूनिट तक बिजली अगर आता है तो उसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा। भाइयों, मेरे पास जो विभाग है उस विभाग से मैंने विश्व रिकॉर्ड किया है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ कहीं कहीं, लेकिन आज भी आपको बोलता हूँ, कब्रिस्तान घेराबंदी हो, चाहे हॉस्टल निर्माण हो, चाहे मदरसा पेंशन देने की योजना हो या CMGP से लोन देने की योजना हो, हमारे विभाग ने जितना हम पैसा माननीय हेमंत सोरेन जी से मांगे उन्होंने कभी इनकार नहीं किया और उन्होंने दिया। अब आपका दायित्व है कि हम लोग करीब 134 योजना आपको देते हैं, किसी का घर ऐसा नहीं है जहां की हेमंत सोरेन सरकार का कुछ न कुछ योजना नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप तमाम जो मतदाता मालिक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी एक योजना निकाले, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाओ योजना, क्या आप लोग तैयार हैं? सब हाथ उठा के बोलिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाओ योजना, जोर से बोलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। और
झारखंड मुक्ति मोर्चा देश का ऐसा पार्टी अभी बना है जो पहली बार महिलाओं का बूथ कमेटी बना रहा है। आज तक किसी पार्टी ने महिलाओं का बूथ कमेटी नहीं बनाया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया है और इसका श्रेय सिर्फ माननीय कल्पना सोरेन जी के जाता है। आप लोग जिस तरह अभी हम लोग 1000 दे रहे हैं और इसको हम लोग 2500 करेंगे दिसंबर से, ठीक हो, 1000 अभी दे, जैसे हमने वोट में जीत के हेमंत बाबू के मुख्यमंत्री बना भी 10 में हम फटाफट 2500। जब हमने इतना थोड़ा योजना दिले तो हम ये योजना नहीं बना पा, मुख्यमंत्री बना योजना। बिजली में कम झगड़ा है लो, जब बुढ़ा के नाम से बिजली है लो, अगर 2-3 को बेटा है लो को पेशवेन भरे बोले लो मैं एसी जलाओ, मैं फ्रिज देखो, मैं एसी लगा लो, हम कह दो। बहुत जगह बहुत आदमी मेरे पास आया, भाई भाई में झगड़ा हो गया बिजली बिल जमा करने के, हम फैसला किए ऊपर वाला, हम लोग कैबिनेट में बैठक किए, हेमंत बाबू बोले कि नहीं सब बिजली बिल माफ करो, बिजली बिल माफ कर दिया, आज सब गदगद गदगद ही नहीं है, माफ भेलो ने देहा आलोक भेलो ने। अभी बोरो प्लेयर मंगा लो, जब खिलाड़ी कमजोर रहे बोलो प्लेयर या जाने, अभी लगो कि यहाँ झारखंड बीजेपी झारखंड के को नेता नेतृत्व कर रहा लो, सब बोरो है, और जब बोरो काम करेगा तो बोरा भर के वो ले जाएगा यहाँ, ये भी आप जानिए। सुख सहजी काम करे लो नहीं आल हो, ओकरा यहाँ टास्क दे लो कि जो तो वहाँ बीजेपी सरकार बना और जगरे हम बैठावे, जो छत्तीसगढ़ में एगो कठपुतली बैठा दिल के और टोटल जंगल के लूटी के अडानी दे दिल के, और उसका भी यही यहाँ भी है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे मतलब रहता तो वो केंद्र से डायरेक्ट आपको पैसा दे सकता था, जिस तरह आपको चूल्हा में दे रहा, गैस चूल्हा डायरेक्ट दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसको यहाँ कुछ करना नहीं है। उसको यहाँ का आयरन माइंस और कोयला खदान उसको लेना है, आपसे उसको कोई मतलब नहीं है कि आप जिए मरे कुछ करें। 1,36,000 करोड़ जो हम लोग का बकाया है, जो रॉयल्टी है वो नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दीजिएगा भाई आप? 15 फिनांस का पैसा बाकी है, आप नहीं दिए। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप नहीं दिए 3 साल का। मैं तो कहता हूं आप लोग सबको घुसने भी अपना क्षेत्र में नहीं दीजिए, अगर आप असली झारखंडी है घुसने में नहीं दीजिए। हेमंत विश्वकर्मा कल हुसैनाबाद में बहुत खराब शब्द बोला, हम तो अभी नहीं बोल सकते वो बात, लेकिन उसको हम चैलेंज करते हैं कि तुम एक भी घुसपैठिया दिखाओ, एक भी बांग्लादेशी तुम लेके आओ, मैं 1,00,000 रुपया एक एक बांग्लादेशी पर तुमको दूंगा। तुम यहाँ लड़ाने आए हो, तुम आओ इलेक्शन के बाद, इसके बाद तुमको बतलाएंगे। अभी उसका सिर्फ काम है कि हिंदू मुसलमान को बांटना और कोई दूसरा काम नहीं है, जबकि हम लोग मिलजुल के रह सकते हैं, आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग फॉरवर्ड बैकवर्ड सब, यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ झारखंडी है, असी वो झारखंडी बांटना चाहता, कहीं है तोरा बांग्लादेशी नजर आ लो, नेपाली नजर आ वो या जाते, लेकिन बांग्लादेशी नजर नहीं आ, नेपाली नजर हम नहीं आवे तू, लेकिन बांग्लादेशी जैसे देखबे कर। तो इससे बचना है और ये ठान के चलना है कौन कैंडिडेट है नहीं, सिर्फ हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अमन चैन अगर चाहते हैं आप झारखंड में तो आपको हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं तो जिस तरह से आजकल का बीजेपी, पहले वाला बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, अभी मोदी वाला बीजेपी है,
ये अमित शाह अपने तड़ी पार है, उसका बीजेपी है, वो अपने तड़ी पार है, तो उसका सोच क्या रहेगा? इसीलिए बहुत सोच समझ के ये इलेक्शन, इससे पहले भी इलेक्शन, लेकिन 24 का इलेक्शन झारखंड के लिए बहुत खास है, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। आप कहीं का नहीं रहिएगा, आप थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी बातों में कि हमरा ठिका नहीं मिलो, हमरा ई नहीं मिलो, हमरा वो नहीं मिलो, हमरा सलाम नहीं कर लो, तो हमरा गड़िया नहीं रोकल को, ये भी हो रहा। हम भी अभी अभी चुनाव लड़े ना, मधुपुर में आज तक इतना काम हो, तैयो बोलो तो सलाम से ना नहीं कर ले, जवाब नहीं दे ले, तो ये सब सोचिएगा। बीजेपी घर घर जाके प्रचार करता, और सब कल से लग जाइए अपना पंचायत में, एक पंचायत में लगिए, दूसरा जगह आपको जाने कोई जरूरत नहीं, आप अपना पंचायत को ठीक कीजिए। महिला जो कमेटी बना वो भी जाएगी और जाके अपना पंचायत के तमाम मतदाताओं को, अभी कल ही मैं एक जगह जा रहे थे, 8-10 औरत थी, उनसे हम पूछे कि वोट किसको दीजिएगा, बोलो जब पैसवा दे लो अपराध दे दो, के पैसवा दे लो, बोलो हेमंत सोरेन दे लो, बोलो कौन छा भी को, बोलो यह कद में जाना ही है, बोलो बोल साफ कुछ ठीक हो छपे में जाने, क्योंकि उसका दिमाग में 30 साल से बैठा दिया पूर्चा, उसको बदलने में अभी देगी वो औरत लोग देगी, देवे ना तो नहीं 2500 मिलते रहते हैं तो क्या भेजाते, जैसे देवी वैसे दिसंबर में खटाखट 2500 लते ही कह है जरवो बन, तो तोनी एक लगा अगर तो मोरत बटवनी कहतो कि फुलाम दिया तो हमरा मारियो एक फिट मोचा जाने मचो मोचा मारियो कहिया ने अबरी हेमंत बाबू दे लो, अबरी हम नहीं हेमंत बाबू वोट दे दो, तीर धनुष में दो, हाथ छाप में दो, लाल रंग छाप में दो, ठीक हो। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो समय कम है और सब बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन आप एक मिशन लेके चलिए, आप ये मत देखिए, अभी भी बहुत जगह से फोन आ, यहाँ आए तो बहुत जगह से फोन भी आ रहा, ऐसे वैसे ये सब मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, झारखंड को बचा के रखिए, नहीं तो इस बार झारखंड को लूट के ले जाएगा। आप पूछिए छत्तीसगढ़ में अगर कोई होगा तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या किया, हजारों एकड़ जमीन अडानी को दे दिया, जिसमें हजारों परिवार आदिवासी मूलवासी को बेघर कर दिया, यही हाल यहां भी करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, यही आशा विश्वास के साथ कि यहां 3-3 प्रत्याशी हैं और हम बगले प्रत्याशी, क्यों 4 प्रत्याशी हम लोग यहां है, चारों का आशीर्वाद आपको चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आप इस आशा विश्वास के साथ आपसे विदा होता हूं कि आप फिर से हेमंत सोरेन सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड।